आपका स्वागत है। और दोस्तों फाइनली आज वीवो ने इंडिया में अपने वीवो S1 को यहां पर जो वो लॉन्च कर दिया है, और ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है दोस्तों जिसमें आपको हीलियो P65 वाला प्रोसेसर मिल रहा है। वीवो ना हमेशा पहला ही बन रहा है। वीवो Z1 प्रो देख लो, स्नैपड्रैगन 712 वो पहला फोन था इंडिया का। वीवो V15 प्रो उठा लो, वो स्नैपड्रैगन 675 वो भी पहला फोन था इंडिया का। और वीवो S1 हीलियो P65, वैसे दोस्तों ये आपको तीन अलग अलग वेरियंट में मिलता है। 4GB रैम, 128GB स्टोरेज, 664 और एक 6128 जो मेरे पास यहां पर आया हुआ है। और जो प्राइस एक्सपेक्टेशन की बात करें तो 20,000 के नीचे ही आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा भी दोस्तों कमाल के फीचर्स आपको मिलते हैं, स्पेशली यहां पर ये जो डिजाइन है ना डायमंड वाली वो बहुत ही कमाल की रख दी। तो ये वीडियो दोस्तों आप देखते रहिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो में Vivo S1 की यहां पर सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं। बॉक्स देखेंगे दोस्तों आपको कुछ इस तरह का मिलता है। सामने देखेंगे बड़ा सा S और नीचे देखेंगे छोटा सा S1 लिखा गया है। मेरे पास जो वेरिएंट है वो 6128 का है। और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो सारे हाइलाइटिंग फीचर्स ऊपर की तरफ मेंशन की गई है। और मेरे पास जो कलर आया दोस्तों वो डायमंड ब्लैक है, आपको एक और स्काईलाइन ब्लू मिलेगा, लेकिन डायमंड ब्लैक में आपको जो डायमंड इफेक्ट मिलता है ना वो बहुत ही कूल लगता है। मेड इन इंडिया यहां पर लिखा गया है। तो ज्यादा मिस नहीं करते, फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। लेकिन हाँ, बॉक्स को ओपन करते हैं उससे पहले मैं आपको इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दे देता हूं। आपको यहां पर दोस्तों 6.38 इंच की एक फुल HD+ की सुपर एमोलेड जो वो डिस्प्ले देखने को मिलती है। आपको 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, 19:5:9 का एस्पेक्ट रेशियो है। डिस्प्ले की क्वालिटी दोस्तों बहुत ही कमाल की है, कलर्स आपको बहुत ही बढ़िया मिलते हैं, एक्सपीरियंस आपको यहां पर वैसे काफी बढ़िया होगा। और हां, साथ में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिलता है, तो उसका भी फायदा यहां पर उठा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप लोगों को हीलियो P65 वाला जो वो प्रोसेसर मिलता है। अब ये जो प्रोसेसर है दोस्तों ये ऑक्टा कोर का 2GHz पर है, 12nm पर मिलता है। ये P60 P70 दोनों से आपको बेटर मिलता है। रीजन इसलिए क्योंकि आपको इसमें जो वो कॉर्टेक्स A75 और A55 वाले जो वो कोर्स मिलते हैं, जबकि P60 और P70 में आपको कॉर्टेक्स A73 और A53 वाले कोर्स मिलते हैं। CPU आपको इसका उन दोनों से जो काफी बेटर देखने को मिलता है। एंड्रॉइड स्कोर भी वैसे काफी डिसेंट निकल कर आया था। और हाँ, गेमिंग की बात करें तो मैंने पबजी यहां पर खेला, HD में बहुत ही कमाल का चल रहा था, उसमें कोई भी मुझे यहां पर इशू नहीं आया था, कोई लैग शटर नहीं आया था। आप हाई ग्राफिक्स गेम्स इसमें बहुत ही आसानी से यहां पर खेल सकते हैं, उसमें आपको कोई भी इशू यहां पर नहीं आएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको यहां पर 16:8 और 2 MP का AI वाला ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है। प्राइमरी कैमरा आपको सोनी IMX499 सेंसर के साथ में मिलता है, F1.8 का अपर्चर है। उसके अलावा आपको यहां पर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं इसके कैमरे के अंदर, और आपको अल्ट्रावाइड सेंसर भी यहां पर 8 MP का देखने को मिल जाता है। आपको 32 MP की यहां पर जो सेल्फी मिलती है और ये भी आपको AI वाली मिलती है, F2.0 का अपर्चर है। आपको स्टिकर्स मिलता है, पोर्ट्रेट शॉट्स, बहुत सारे फीचर्स आपको यहां पर इसकी सेल्फी में भी जो देखने को मिलती है। 4500 mAh की बैटरी, जी हां, 4500 mAh की आपको बैटरी मिलती है। 18W का फास्ट चार्जर भी उन्होंने यहां पर आपको बॉक्स में प्रोवाइड किया है। दोस्तों स्पेक्स बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। अब यहां पर ज्यादा मिस नहीं करते, फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहां पर मिलेगी, इसको मैं बाहर निकाल के दिखा देता हूं। तो जी हां, ये देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन, सिम इजेक्टर पिन वगैरह आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। आपको एक हल्का फुल्का सा बैक केस भी उन्होंने जो प्रोवाइड किया है। और हां, उसके बाद आते हैं हमारे फोन की तरफ, जो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का है। इसको यहां से हम प्लास्टिक से बाहर निकाल देते हैं और यहां पर आप देखेंगे, ये देखेंगे दोस्तों बहुत ही कमाल का लग रहा है। ये डायमंड ब्लैक कलर है, आप देखेंगे डायमंड पैटर्न आपको कुछ इस तरीके का मिल रहा है। जब आप लेफ्ट और राइट टिल्ट करते हैं जो इफेक्ट आपको मिलता है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का है। मतलब मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन्स देखे, सब में अच्छी अच्छी डिजाइन मिल रही है, लेकिन ये एकदम से यूनिक है, थोड़ा सा हटके कुछ इस तरीके का आपको यहां पर जो इफेक्ट मिलता है, एक्चुअली में दोस्तों बहुत ही प्रीमियम लगता है। मैं एक ही वर्ड में यहां पर ये कहना चाहूंगा। वैसे दोस्तों 4500 mAh की बैटरी, लेकिन फिर भी आपको 8.1 mm की थिकनेस पर मिलता है और 179 grams का, काफी हल्का सा, काफी स्लिम सा आपको ये फोन मिलता है। बहुत ही बढ़िया आपको यहां पर जो डिजाइन देखने को मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों आपको यहां पर देखेंगे 18W का यहां पर जो फास्ट चार्जर भी प्रोवाइड किया गया है। साथ में आपको यहां पर माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाता है। और हां, टिपिकल स्टाइल आपको वीवो के ईयरफोन्स में यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये है दोस्तों इसके कुछ बॉक्स कंटेंट, फटाफट से हम आते हैं हमारे फोन की तरफ। तो यहां पर दोस्तों आते हैं हमारे फोन की तरफ, बूट करेंगे। उससे पहले मैं आपको फिजिकल ओर दे देता हूं। नीचे देखेंगे आपको 3.5mm ऑडियो जैक, आपको माइक होल, आपको माइक्रो USB पोर्ट, आपको स्पीकर आउटपुट मिलता है। लेफ्ट साइड में देखेंगे आपको यहां पर सिम ट्रे मिलता है। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों आपको यहां पर डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिलता है। नीचे की तरफ आपको यहां पर एक स्मार्ट की मिलता है, और ये आप सिंगल प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको यहां पर गूगल असिस्टेंट वगैरह जो वो टॉगल करने मिलता है, बहुत सारे जैसे आप ऑन द गो यहां पर कर सकते हैं। राइट में आपको पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है। ऊपर की तरफ देखेंगे एकदम से प्लेन आपको यहां पर कुछ नहीं मिलता है। यहां पर देखेंगे दोस्तों हमने फोन को जो है बूट कर दिया, और आप देखेंगे डिस्प्ले आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। और एक और चीज आपको दिखा रहा था, ब्राइटनेस बहुत कम रखा हो, और अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं देखेंगे कितना ज्यादा ब्राइट आपको यहां पर डिस्प्ले मिलता है। उस मामले में दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आएगी। और हां, एक चीज आपको बता देता हूं, आपको यहां पर इसमें मिलता है एंड्रॉइड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स, और साथ में ये फन टच OS पर चल रहा है। तो हां, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है कस्टमाइज करने के लिए, फन टच OS है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। आप देखेंगे यहां पर इस तरीके से मैं टैप करता हूं, ये ओपन हो जाता है। और आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं, मैं टैप करता हूं और ये ओपन हो जाता है। वैसे आपको बहुत सारे एनिमेशन मिलते हैं, आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। और फेस अनलॉक की बात करें
ये देखेंगे, मैं काफी दूर हूँ, उसके बाद भी देखेंगे क्या बात है। फेस अनलॉक भी आपको मिलता है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर फास्ट चलता है। अब फाइनली दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर इसके कैमरे की। आप देखेंगे इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का मिलता है, आपको पोर्ट्रेट का, आपको यहाँ पर वाइड एंगल के सारे ऑप्शन यहाँ पर सामने दी गए। आप देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, AI वाले कैमरा है तो बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा अगर आप कुछ सैंपल्स देखते हैं स्क्रीन पर, आप देखेंगे बहुत ही कमाल की आपको पिक्चर्स मिल रही है, कलर्स काफी अच्छे, डिटेल्स आपको काफी अच्छी मिल रही है। तो इस मामले में आपको ये बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। आपको नाइट मोड भी मिलता है डेडिकेटेडली, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। मैं एक बहुत ही जल्दी इसका डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू करूंगा और कंपैरिजन भी करूंगा, तो आप जरूर इसके लिए जो स्टे ट्यून करना। फर्स्ट इंप्रेशन कैमरा वैसे मुझे रियर काफी सही लगा है। सेल्फी की बात करें तो नो डाउट 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, यार क्वालिटी बहुत ही कमाल की है, डिटेलिंग अच्छी है, पोर्ट्रेट शॉट्स भी यहां पर काफी अच्छे निकले। हां हल्का हल्का एच डिटेक्शन में थोड़ा सा इशू है, बाकी तो आपको हैंडल करना पड़ेगा। और हां आपको यहां पर मोनोक्रोम और दूसरे सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो अच्छी खासी सेल्फी आप उसमें भी यहां पर निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों Vivo का S1 जो आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हूं दोस्तों इस फोन से, बहुत अच्छे फीचर्स मिलते हैं, प्रोसेसर भी अच्छा है, कैमरा भी काफी बढ़िया, डिजाइन तो एकदम नेक्स्ट लेवल का है, डिस्प्ले भी बहुत ही बढ़िया है। तो कुछ इस तरीके का है, देखते हैं Vivo क्या प्राइस रखता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के अंदर अपडेट कर दूंगा, देखते हैं 15 से 20 के बीच में आएगा तो बहुत ही मजा आएगा। मैं Realme X के साथ में इसका कंपैरिजन करूंगा, उसके लिए स्टे ट्यून करना। वैसे आपका क्या ख्याल है इसके बारे में और कौन से फोन के साथ में कंपैरिजन चाहते हैं, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।